मीनाक्षी दीक्षित आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु में। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए कंप्लीट, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ओ लेवल जुलाई 2024 एग्जाम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जैसा कि अभी आपके जुलाई 2024 में प्रैक्टिकल की एग्जाम तो आपके हो गए, अब आपके थ्योरी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों के जो प्रैक्टिकल के एग्जाम है बहुत ही अच्छे गए होंगे। तो जिस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की उसके अकॉर्डिंग आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे, मैं ये आशा करती हूँ। तो अभी हम आज बात करेंगे कि कुछ बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि एग्जाम कितने नंबर के होते हैं, क्या मार्क्स लाना होता है मुझे क्वालिफाई होने के लिए। अगर जिन भी बच्चों का मान लीजिए थ्योरी का प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, वो लोगों की एग्जाम छूट गए हैं, वो लोग नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो वो सारी चीजों के लिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप लोगों के पास पहुंच सके, ताकि आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता ना हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ओ लेवल एग्जाम के लिए। आई होप आप लोग के एग्जाम बहुत ही अच्छे गए होंगे, ठीक है। बाकी जो भी होगा थोड़ा बहुत वो आप लोग को परेशान नहीं होना है कि हमारे एग्जाम है, ऐसे कुछ नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया नहीं कि ओ लेवल के जो आप लोग के प्रैक्टिकल के एग्जाम हो गए, आप थ्योरी एग्जाम है, थ्योरी एग्जाम के लिए आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है वो 3 अगस्त से आप लोगों के एग्जाम थ्योरी के स्टार्ट होंगे। तो जो आपके एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होंगे, मतलब कि 1 वीक के अंदर आप लोग के थ्योरी एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ना ओ लेवल के आपके कंप्लीट जो होता है, ओ लेवल में आपके टोटल 4 पेपर होते हैं, इन 4 का आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होता है, जो कि नैलेट ने अपडेट किया है कि हर साल अपडेट करती है कि पहले थ्योरी एग्जाम लेती है देन पहले प्रैक्टिकल लेती है। तो इस बार नैलेट ने अपडेट किया था कि पहले हम प्रैक्टिकल एग्जाम को कराएंगे देन फिर थ्योरी का एग्जाम कराएंगे। तो जैसा कि आप लोग के प्रैक्टिकल के एग्जाम अभी चल भी रहे हैं, कुछ बच्चे के अभी एग्जाम बाकी भी हैं, वो बच्चे अपना 16-17 तक एग्जाम होंगे वो लोग अपना एग्जाम को देंगे, उसके बाद से 3 अगस्त से प्रैक्टिकल थ्योरी का एग्जाम होगा। तो थ्योरी के लिए भी आप लोग अपनी बहुत जबरदस्त तैयारी करिए। और आपका जो अपना परिवार है, अभी आप लोग के कुछ दिन पहले जो प्रैक्टिकल की क्लासेस चल रही थी उसके लिए आपका अपना परिवार कम्प्लीट जो है तैयारी करा रहा था आपका ओ लेवल का प्रैक्टिकल के लिए 4 पेपर का। नितिन सर बढ़िया तरीके से आपकी पैथन की क्लासेस करा रहे थे, सीमा मैम आपकी IoT यानी कि 4th पेपर की क्लासेस करा रहे थे, प्रिंस सर आपकी IT Tools 1st पेपर एंड धीरेन्द्र सर आप लोगों के लिए वेब डिजाइनिंग की कंप्लीट प्रैक्टिकल क्लास कराए। आई होप आप लोगों ने क्लासेस देखी होगी, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो इसी तरह से जो थ्योरी के आपके एग्जाम होने वाले हैं 3 अगस्त से, उसके लिए भी हम आपको कंप्लीट मैराथन की क्लासेस कराएंगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जो भी जिनका भी एग्जाम होगा वो आराम से अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया आपकी कि टोटल आपके ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं ना, टोटल आपके 4 पेपर होते हैं जो कि ओ लेवल में, जिसमें से आपका कंप्लीट जो मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं 100 मार्क्स के, यानी कि 1 पेपर आपका जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, यानी 4 पेपर आपके होंगे तो 400 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होंगे देन 400 मार्क्स के आपके क्या हो गए थ्योरी के एग्जाम हो गए। तो अभी जैसे प्रैक्टिकल के एग्जाम तो हो गए और इसमें से जो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं कि इसका क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपको जो क्वालिफाई होना होगा वो कितने नंबर से आप क्वालिफाई हो सकते हैं इसमें और कितने नंबर से क्या, तो वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो प्लीज आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें अपडेट हो। बाकी कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन तो ऐप के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए, आप वहां से हमें कॉल व्हाट्सअप भी करके अपने क्वेश्चन अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो ये इसके मार्क्स जो होते हैं आपके 100 मार्क्स के होते हैं पर पेपर, यानी 1 पेपर के क्या होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं। इस 100 मार्क्स में जैसे आपका जो प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल भी आपका 100 नंबर का होगा, इस 100 नंबर में से आपको क्वालिफाई होने के, यानी ओवरऑल आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला करके आपको 50% लाना है पास होने के लिए। तो इसके लिए आपको जब आप एवरेज में प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों में जब आप लेके आएंगे अच्छे मार्क्स, तभी तो आपके 50% होंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। और हाँ, नालित ने ये भी अपडेट किया है कि अगर कोई स्टूडेंट है, उन्होंने अगर थ्योरी का एग्जाम दिया है या प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया, अगर उन दोनों में से अगर वो थ्योरी में पास हो जाते हैं प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं तो दोनों में फेल माना जाए। तो इसलिए आप लोगों को दोनों में पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, जो भी मैं आपको सारी चीजें बताने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। अगर कहीं भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं होना है, हम आराम से कॉल भी आप हमें करके अपने डाउट्स को, हमारी टीम जो है वो आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेगी। तो जो मैंने बताया कि आप, ठीक है, ये जो आपका 100 नंबर का होगा प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल में आपको 100 में से अगर आप प्रैक्टिकल में से 60 या 70 नंबर लाते हैं, 100 में से 60 या 70 नंबर लाएंगे तो इनका मिला करके आपको 33% का एवरेज निकाला जाएगा। ये प्रैक्टिकल की बात कर रही है,
इसी तरह से जब आप थ्योरी का एग्जाम देंगे तो थ्योरी में भी आपको क्या है कि 100 में से कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 60 या 70 नंबर। तो जब आप 60 या 70 नंबर लाएंगे उसके बाद से आपका इसका भी 33% निकाला जाएगा। जब आपका 33% थ्योरी और 33% प्रैक्टिकल दोनों को मिला करके आपके ओवरऑल होने चाहिए 50%। तो जब आप ये 50% पाएंगे तब जाकर के आप एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। ये है नैरेट का रूल, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा समझ में आई होंगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ। मैं पूरा अपने 100% देने की कोशिश करूँ, बस आप हमेशा ऐसे जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि आप लोगों को भी और उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पता चले जो बच्चे अभी ओ लेवल कर रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपके 100 नंबर के पेपर होते हैं, जिसमें से आपको 100 नंबर में से आपको 60 या 70 नंबर आपको प्रैक्टिकल में से लाना पड़ेगा। और यही तो आपका थ्योरी का भी है कि 100 में से आपको 60-70 नंबर लाना पड़ेगा। दोनों को मर्ज करके आपको ओवरऑल 50% होना चाहिए। जो बच्चे परेशान थे किसी कारणवश कि मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा हूं, या मैंने एग्जाम को फेल किया और उसके अलावा अगर मेरे कोई ग्रेजुएशन के एग्जाम लग गए तो उसको उन लोगों को फिर एग्जाम तो छोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। आप नेक्स्ट टाइम भी एग्जाम अपना दे सकते हैं, क्योंकि जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका 5 साल के लिए वैलिड होता है कि 5 साल के अंदर आप ओ लेवल चाहे जब क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी हमने बताया आपको कि ये सारी चीजें आपको कम्प्लीटली वहां पे मिलेगी ओ लेवल की। और आप लोग की बहुत जल्द मैराथन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। 1 वीक के अंदर आप लोगों के प्रैक्टिकल, जो आपका प्रैक्टिकल अभी 2-3 दिन बचा हुआ, जो भी बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाए वो लोग पहले अच्छे से अपना बहुत ही बेस्ट तरीके से अपना देखिए अपना 100% आप दीजिए, क्योंकि जितना आप पढ़े रहेंगे उतना ही आप देंगे। ऐसा घबराना नहीं, बिल्कुल जाना है आराम से और अपनी पूरी कंप्लीट कॉपी को भरना है जो भी आपके। और आपके एग्जाम जो होंगे वो आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे। 100 नंबर का जो आपका थ्योरी का पेपर होगा, जो आपके थ्योरी के पेपर होंगे 100 नंबर के, उसमें से आपका जो ये ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ये जो आपके थ्योरी के एग्जाम होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, और एग्जाम कैसे आपका होगा, ऑनलाइन ऑनलाइन बेस्ड आपको एग्जाम होगा। यानी कि आपको सिस्टम पे जो भी जहां भी आपका सेंटर जाएगा उस सेंटर पे जा करके आपको एग्जाम देना है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, वहां पे सेंटर बने होंगे। और हाँ, एक बहुत से स्टूडेंट के ये क्वेश्चंस होते हैं, क्या मेरे एग्जाम जो होते हैं वो क्या प्रैक्टिकल देन थ्योरी दोनों का एक ही सेंटर पे जाता है? तो ऐसा नहीं है। आप लोगों का पहले 1 वीक पहले अगर आपके प्रैक्टिकल, देखिए अभी प्रैक्टिकल के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, तो 1 वीक पहले आपके एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होने लगे थे। उसके बाद से सभी स्टूडेंट्स ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उसके बाद से अपना एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया। उसी तरह से अभी आपका 1 वीक बाद जो है, जैसे प्रैक्टिकल खत्म होगा उसके बाद से 2-3 दिन या 1 वीक के अंदर से फिर आपका थ्योरी का एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल स्टार्ट, यानी कि 2 बार आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट है, एक बार प्रैक्टिकल के लिए एक बार थ्योरी के लिए। तो जैसे आपके एग्जाम जो थ्योरी के लिए आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, यानी 3 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो, तो 1 वीक के अंदर यानी कि आपका 20 या 22 तक आप लोगों के प्रैक्टिकल की जो थ्योरी के जो एग्जाम है उसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो। तो आप लोग आराम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी का एग्जाम दीजिएगा, ताकि आप लोगों का कम्प्लीटली जो है ए ग्रेड नहीं कम्प्लीट किया, आपका यस ग्रेड आए, हर एक स्टूडेंट का यस ग्रेड आए। और जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी तो आप लोगों के यस ग्रेड आए। और आपका अपना जो ये परिवार है यूनिक ऑनलाइन गुरु, आप इससे जुड़िए। यहाँ पे आपको बहुत सारी कम्प्लीट क्लासेस कराई जाएंगी, चाहे वो मैराथन हो चाहे वो BCA हो, किसी भी प्रकार की कोई भी क्लासेस हो वहाँ पे आपको पूरा कम्प्लीट मिलेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश, हमारी टीम आपको पूरा कंप्लीट क्लासेस कराने की, ठीक है। मैंने बताया आपको कि थ्योरी जो पेपर होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑनलाइन आपको एग्जाम जाके देना पड़ेगा, इसका एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होते हैं प्रैक्टिकल के अलग एंड थ्योरी के अलग। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और लोगों को बताइए, ताकि जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कोले बताए क्या क्या, तो वो सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे आपको। ये मैंने बता दिया आपको सारी चीजें। अब मैंने बताया ना प्रैक्टिकल के लिए, तो प्रैक्टिकल के एग्जाम जो, और बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि अभी तो मैं ओ लेवल कर रहा हूँ, तो आराम से आप लोग ओ लेवल करो। और आपका जो अपना परिवार है ना, यहाँ पे आप लोग का अभी एक नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है ओ लेवल का, बहुत जल्द स्टार्ट होगा। जो लोग जनवरी 2025 में एग्जाम देंगे ओ लेवल का, उनके लिए ओ लेवल का एक न्यू बैच स्टार्ट होगा, आप आराम से जुड़ेगा, वहाँ पे कम्प्लीट क्लासेस कराई जाएंगे। तो ये थोड़ी बहुत जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। बाकी आपकी जो भी क्लासेस रहेंगी आपको मैं कुछ कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी दे देती हूँ, आप वहाँ पे भी जा करके अपना डाउट जो अपने क्वेरीज है वहाँ पे। और बहुत जल्द यानी कि 3 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं, तो मैं बहुत जल्द आप लोग के लेके आऊंगी। वो जो आपके मैराथन क्लासेस चलेंगी वो आपका चैनल है, मैं चैनल का नाम बता दे रही हूँ, उस चैनल पे जा करके आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बढ़िया से जाना है, ओ लेवल वाला चैनल है, उस ओ लेवल वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप लोग को
जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना होगा। तो जरूर आप लोग को इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको ओ लेवल वाला चैनल एंड यूनिक ऑनलाइन गुरु का जो चैनल है वो आपको मिल पाए, चाहे जिस भी चैनल पे आपको कराया जाएगा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी की। प्रैक्टिकल की क्लासेस हो चुकी है, थ्योरी की भी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस कराएंगे, चाहे वो कोई पेपर हो, M1 IT टूल्स हो, आपका M2 वेब डिजाइनिंग का हो, M3 आपका जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो वो भी बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, M4 आपका IT आपका IoT का जो पेपर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से, सारी टीम मिलकर के आपको पूरी कंप्लीट क्लासेस कराई जाएगी। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं पूरा कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट हो, अगर मैं यहाँ पे बताना भूल गई हूँ तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान है, आप अगर हमें कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको पूरा कंप्लीट बताने की पूरी कोशिश करेगी। तो ठीक है, आपको जो चैनल मैंने बताया ओ लेवल वाला चैनल है, आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई भी स्टूडेंट है जनवरी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 के लिए ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नैलेट की साइट पे जाकर के, जो कि आपकी नैलेट की साइट है student.nalet.gov.com, इस साइट पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, मैं उस समस्या को आप लोगों का सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही और उसके लिए हम बहुत जल्द आपका स्टार्ट, और जो भी स्टूडेंट BCA कर रहे हैं, किसी कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया, उन लोगों के लिए बहुत तगड़ा वाला ऑफर चल रहा है आप लोगों का, मात्र 1500 में BCA फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट क्लासेस कराई जाएगी, चाहे उसमें आपके सब्जेक्ट हो, फंडामेंटल हो, आपका सी लैंग्वेज की क्लासेस हो, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस हो, जो भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी क्लासेस आपको कराई जाएगी। और क्लासेस जो है अभी आपकी एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गई है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारा यूनिक ग्रुप का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं वो फटाफट प्ले स्टोर पे जाएं और यूनिक ग्रुप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, वहां पे उनकी संकल्प बैच की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जो कि नेहा मैम आपको मैथ्स की क्लास बहुत अच्छे तरीके से करा रही, नितिन सर आपके सी लैंग्वेज की क्लास करा रहे हैं, कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर मिलेगा, कुछ क्लासेस जो है आपको एप्लीकेशन में मिलेंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी देरी ना, अगर आप चाहते हैं कि इस ऑफर का हम लाभ उठाएं तो बिल्कुल आप आराम से बिना कुछ सोचे समझे यूनिक ग्रुप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और BCA फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट संकल्प बैच को ज्वाइन करिए, ताकि आप लोगों को कंप्लीट क्लासेस मिल सके। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए कि मैं BCA में एडमिशन ले चुका हूँ या मैं ओ लेवल में एडमिशन ले लूँ, घर बैठे आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताई, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, जो भी मैंने ओ लेवल के बारे में बताया था आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, तो मैंने आपको बताया ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ओ लेवल जुलाई 2024 प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जाम के लिए, आप लोगों को शायद वो सारी चीजें समझ में आएंगी। और कहीं भी अगर आप लोग को दिक्कत होगा, बिल्कुल परेशान में थे, कमेंट सेक्शन में आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट नंबर दे देती हूँ, आप आराम से जा करके वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग जाकर के डियर इस कॉन्टेक्ट नंबर पे अपने क्वेरीज को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपके जो भी सारी चीज, BCA विथ रत्नाकर से टेलीग्राम भी है और ओ लेवल विथ रत्नाकर से टेलीग्राम, आप टेलीग्राम से भी जुड़े, वहां पे भी आपको बहुत सारी PDF नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगी। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आप लोगों को समझ में आएगी। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता है कि क्या चीजें हैं, तो उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, वो लोग घर बैठे अपनी अच्छी खासी ओ लेवल से रिलेटेड चाहे जितनी भी कंप्यूटर के कोर्सेज हों वो घर बैठे अपनी स्टडी को कर सके और बहुत ही अच्छे तरीके। आई होप आप लोग को बहुत चीजें समझ में आएंगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।